नमस्कार दोस्तों, बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही आनंद होने वाला है, क्योंकि हम कार्बोरेटर का क्लास लेने वाले। ये कार्बोरेटर का क्लास ये कॉमन होता है हमारा ज़्यादातर, क्योंकि आप यहाँ पे आगे देखेंगे ये जो बैच बैठी है ये अभी BSc के लिए, उनको करीबन यहाँ पे आके एक 1.5 महीना हो चुका है। तो कार्बोरेटर का आज हम पहली बार ही क्लास लेने वाले हैं। थोड़ा सा पीछे देखेंगे वो बैच फ्रेशर ही है, उनको यहाँ पे आके 5 ही दिन हुआ है, पाँच छः दिन हो गया है। तो उनको भी थोड़ा सा नॉलेज के लिए एक कॉमन क्लास होगा, क्योंकि कार्बोरेटर समझना है। हम 4-5 बार कार्बोरेटर की क्लास लेते हैं, पहला कॉमन लेते हैं, फिर उसके बाद अकेले में उनको बैच को बुलाते, वापस टॉपिक क्लियर करते, वापस हम जब BA6 में जाते तभी कार्बोरेटर लेते, फिर हम थ्रोटल बॉडी का सिखाते। क्योंकि अगर थ्रोटल बॉडी जानना है, BA6 जानना है, तो आपको कार्बोरेटर का नॉलेज होना जरूरी है। हमें मालूम है ये कार्बोरेटर खाली मैनुअल चलता है, लेकिन कार्बोरेटर ये किस तरह चलता है, हर एक पार्ट का क्या क्या रोल है, ये आज हम यहाँ पे बताते सिखाते हैं। फिर हम लोग एक ही पॉइंट में एक ही बारे में कार्बोरेटर समझना बहुत ही मुश्किल है, करके हम कम से कम कार्बोरेटर 4 महीनों के बैच में जो लड़का आता है 4 महीनों तक यहाँ पे हमारे पास रहता है, कम से कम 5 बार तो हम कार्बोरेटर की क्लास लेते ही लेते। तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट है, ये BA6 के लिए रेडी है, तो उनको ज़रूरत नहीं कार्बोरेटर सीखने के लिए। तो यहाँ पे BA6 का क्लास चल रहा है। ये वाली वायर यहाँ पे देखेंगे आप, एक एक वायर गणेश सर है ये समझा रहे हमारे स्टूडेंट को, कौन सा वायर क्या जा रहा है, क्या मकसद से जा रहा है, ये क्यों किस लिए। तो एक एक टॉपिक अभी वायर यहाँ पे पहला गाड़ी पे बताया था, अभी यहाँ पे बताएंगे, फिर हमारा जो गाड़ी के ऊपर लगा के चालू करके उसका एक एक वायर की जो BA6 होता क्या है, ये असल में हम यहाँ पे बहुत अलग तरीके से समझाते, क्योंकि BA6 समझाना है तो आपको वोल्टेज का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ये वोल्टेज का पूरा खेल है, बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से सिखाते। यहाँ पे देखेंगे तो BA6 की वायरिंग है, ये देखिए। तो हर गाड़ियों का वायरिंग होता है, मेन वायरिंग समझ गए तो पूरी गाड़ी और उसका एक एक नॉलेज ही समझ गया। हम अलग तरीके से सिखाते यहाँ पे। तो हमारे व्यूअर्स को भी हम दिखाने वाले, आज हमारा कॉमन लेक्चर है। तो कॉमन लेक्चर में पहला जो हमारे अभी लाइव गाड़ी जो करवा रहे, जो बैच अभी BA6 पे जाने वाला है, 15 अगले महीने जाने वाला है। तो आज 25 तारीख को हमारा BA6 पे जाने वाले स्टूडेंट है, जरा हाथ ऊपर करके दिखाइए, वो देखिए। अभी ये BA6 के लिए जाने वाले, आज ये भी यहाँ पे बैठे है कार्बोरेटर के लिए। तो पहला कार्बोरेटर का अपना कितना, 3 बार हुआ, आज ये 4थी बार आज होगा, तो थोड़ा सा और परफेक्ट समझ पाऊँगे। दूसरा, ये अभी हम FI में जाने वाले हमारे स्टूडेंट अभी कौन कौन है वायरिंग, ये देखिए, ये आज FI के ऊपर हम जाने वाले। तो FI अगर समझना है तो पहला कार्बोरेटर समझाएंगे, फिर थ्रोटल बॉडी समझा देंगे, तो थोड़ा सा नॉलेज आएगा, फिर थोड़ा धीरे धीरे हम और क्लास लेते जाएंगे। तो आपको यहाँ पे आके कितना दिन हुआ है, अभी जो हाथ ऊपर किया है उनको, एक महीना और नौ दिन हुए, और पहला ही क्लास अपना कार्बोरेटर का। तो गेट बैच में भी हुआ था ना, थोड़ा देखा था ना कार्बोरेटर का, तो थोड़ा सा नॉलेज आ गया। अभी जो नए स्टूडेंट है, आपको कितना दिन आके, नए स्टूडेंट हाथ करो, तो इनको अभी आ गए, एक हफ्ता हो गया। तो चलो, आपका बहुत अच्छा नसीब है, 1 हफ्ते में ही पहली बार कार्बोरेटर सुन रहे, चलो ठीक है। तो कार्बोरेटर को समझना है, अगर आज हम BA6 को समझते, BA6 देखते, तो अगर BA6 को समझना है तो कार्बोरेटर को अच्छी तरीके से समझना हमारा काम है। तो आज कार्बोरेटर को हम समझेंगे। एक सब जन कहते कि कार्बोरेटर ये मैन्युअली चलने वाला पार्ट है, ये सब मालूम है आपको, लेकिन ये किस तरह चलता है ये आज हम समझेंगे। ये हवा तो अंदर लेता है, हमने स्ट्रोक में समझा है, सक्शन स्ट्रोक पे क्या होता है, हवा अंदर आती है, सक्शन में पिस्टन नीचे जाने के बाद वो जो अंदर जो जगह बन गई उसमें क्या आएगा,
हवा जितना पिस्टन स्पीड में नीचे आएगा, ये देखो मैं हल्लू पिस्टन ला रहा हूँ तो हल्लू ही हवा आएगा यहाँ से। ये इनलेट मैनिफोल्ड की तरफ क्या बैठने वाला हमारा कार्बोरेटर। तो स्लाइड को ऊपर लेते, स्लाइड की कहाँ पे होती है, स्लाइड का कंट्रोल किस में होता है, हाथ में। एक्सलेटर दिया, गाड़ी भागने लगी, एक्सलेटर छोड़ा, गाड़ी जगह पे। ये किस तरह जाता है ये देखिए, एक्सलेटर मैं देता हूँ तो स्लाइड क्या हो रहा है, अभी ये ओपन आपको लाइट दिख रहा है, यानी कि ये ओपन हो रहा है। ये देखो एक्सलेटर दे रहा हूँ तो ये देखो ऊपर जा रहा है, एक्सलेटर छोड़ने पे ये नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद आरपीएम क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे क्या है हमारा आइडल स्क्रू, जहाँ पे आइडलिंग लगाते हैं ना हम आरपीएम, तो बंद नहीं गिरना है। अगर ये बंद हम पीछे लेते तो हवा का प्रेशर देखो कम होता है तो गाड़ी बंद गिरती है ना, क्यों बंद गिरती है, और ये करने पे ज़्यादा भागती क्यों है, ये आज हमें समझना है। उसके लिए आपको चार स्ट्रोक के पूरा 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 नॉलेज है ना सबको। तो अभी हम समझेंगे, ये गाड़ी चलती है हमारे किसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। ये कार्बोरेटर हटाया क्यों, अभी आज हम देखेंगे। ये कार्बोरेटर हटा के वहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर क्यों बिठाया, फ्यूल इंजेक्टर से क्या हो रहा है, आज हम ये समझेंगे। ये देखो पेट्रोल यहाँ से आ रहा है, अभी ये मुझे ऐसा तो जाना पड़ेगा, तो जो आपको यहाँ पे जो पित्तल वाला दिख रहा है ये बॉल है, ये ओवर साइज बॉल क्या किया है इसमें ठोक दिया है। तो जो पेट्रोल क्योंकि ड्रिल मारने के बाद उसको होल तो बंद करवाना चाहिए, तो ये देखिए ये जो छोटा वाला जो आपको पित्तल का बॉल दिख रहा है ये बॉल इसमें प्रेस किया है ताकि जो पेट्रोल आ गए वहाँ पे रुके और पेट्रोल सीधा किया कहाँ पे जाए, फ्लोट पिन में। इसको क्या कहेंगे, फ्लोट। फ्लोट यानी कि क्या, तैरना। फ्लोट यानी कि तैरना। ये पेट्रोल के ऊपर, ये देखो ये पूरा पहला तांबे का था, अभी ये जो है प्लास्टिक का है, तो इसके अंदर क्या है, हवा। हवा है, जैसे हम पेट्रोल के, पेट्रोल यहाँ पे, पेट्रोल अगर पेट्रोल है, ये पेट्रोल पे क्या करवाता है, तैरता है। तैरता है तो एक जगह पे इसको फिक्स किया है, ये तैरने के बाद ये क्या होगा, ऊपर ऊपर जाएगा। हमारे सिंटेक्स टाकी में बिठाते हैं ना हम, ये कैसा रॉड लेते हैं, बॉल लेते हैं, चाहे फ्लश टैंक है हमारा उसमें भी बॉल ही आता है। तो ये पानी पे तैरने के बाद बॉल में हवा होती है, ये बॉल ऊपर आता है और किसको दबाता है, जो पानी आ रहा है उसको वो दबाने का काम करता है। ये सीधा हो गया तो पानी आना बंद। सेम यही टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी है। तो ये फ्लोट पिन है, तो ऊपर क्या है, यहाँ पे रबर है। ये देखिए अभी ये रबर है, ये फ्लोट पिन है। सेम यहाँ पे क्या है, यहाँ से पेट्रोल आ रहा है, ये होल से पेट्रोल किधर आ गया, नीचे। अभी ये पेट्रोल को क्या करना है, एक लेवल में, ये फ्लोट ऊपर जाने के बाद ये क्या होगा, फ्लोट पिन, ये फ्लोट है, ये ऊपर ऐसे जाने के बाद ये फ्लोट पिन होगी, ये ऊपर जाएगी और जो पेट्रोल आने वाला होगा ये रबर को क्या करेगा, रबर है तो वो होल में जाके बराबर बैठ जाएगा, तो पेट्रोल आना बंद होगा। तो ये फ्लोट पिन है, और यहाँ पे जो स्लॉट दिख रहे हैं आपके ऐसे कट किए हुए, तो देखिए तो ये हमारा स्लॉट है, वो स्लॉट में से पेट्रोल आएगा। फ्लोट चेम्बर, फ्लोट है ये, फ्लोट ये इसमें ही पेट्रोल आता है। ये फ्लोट में आने के बाद इसमें क्या है, ये फ्लोट बैठेगा। पेट्रोल अगर हम डलवाते, अभी यहाँ पे पानी डलवा देंगे हम, ये देखिए ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर तैर रहा है, ये फिक्स होगा। तैरने के बाद ये क्या करेगा, इसको पिन को दबाने का काम करेगा। पिन ज़्यादा भी नहीं दबनी चाहिए, उसके लिए इसमें स्प्रिंग भी आती है। हाँ, ये पिन बराबर आके ये होल में क्या होगी, जाके फिट होगी, तो पेट्रोल आना बंद। फ्लोट डाल दिया, फ्लोट पिन भी डाल दी, डलवाने के बाद ही हम लास्ट में हमारे पास कौन सा विकल्प होगा, कार्बोरेटर चेंज करने का होगा। तो कार्बोरेटर को आपको ऐसे चेक करना है, ये देखिए ये आपको क्या चाहिए, ये ऊपर ही चाहिए, इसके नीचे होगा होना नहीं चाहिए। कार्बोरेटर की जो लेवल होती है इसके ऊपर तक होती है, ये देखिए ये ऊपर ही है ना, ये ऊपर ही चाहिए आपको। हाँ, अभी जो नए जो स्टूडेंट है हमारे, बराबर, जिसको फ्रेशर है, पूरा नॉलेज ही नहीं है, उनका मरने दो, छोड़ दो। लेकिन जो हमारे पास जो 2 साल 3 साल 6 महीना 1 साल उसने कार्बोरेटर तो खोला होगा ना, खोला है कि नहीं खोला है, लेकिन कभी ये कार्बोरेटर को जानने की कोशिश की क्या, यही गलती होती है। इसको जानो, समझो,
अगर आपको कोई बता रहा नहीं तो, लेकिन कोई बता रहा है तो ठीक है ले लो, अगर कोई नहीं बता रहा है तो ये आपको क्या करना है, इसको समझना है, ये समझने के बाद ये समझा देगा ना। अभी ये देखो, यहाँ से हम ये नट लगाते और ये नट लूज करवाते तभी पेट्रोल आ रहा है, लेकिन फ्लोट का पेट्रोल ये कंटिन्यूस आता है, तो हम नट टाइट लूज करवाते तो हमें समझना है, तो एक ही लाइन है ये दो तरफ से कैसे काम करवाती है। ये देखो, ये आ गया हमारा ड्रेन नट, अगर ड्रेन नट लूज करवाते तभी पेट्रोल आता है, ड्रेन नट टाइट करने के बाद पेट्रोल आता है क्या? नहीं, लेकिन जब गाड़ी फ्लड होता है तभी पेट्रोल ऑटोमेटिक आता है, हम चाहे नट टाइट करो या लूज करो कुछ असर होता है क्या? नहीं होता है। तो हमें क्या समझना है, एक कैसे काम हो रहा है, तो जैसे हम क्या करवाते ये ओवर फ्लो का नट खोलते, तो ओवर फ्लो का नट खोलने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, यहाँ पे ये पॉइंट है, और ये पॉइंट टाइट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक होल, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस प्लस होते जा रहा है, ये देखो प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट है, ये चीज उधर से मैं स्क्रू टाइट करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या है हमारा पेट्रोल होगा, ये पेट्रोल ये होल से देखो किधर से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, जैसे हम ये नट टाइट करवाते इधर का पेट्रोल क्या हो गया, यानी कि ड्रेन करवाने वाला कार्यक्रम बंद, लेकिन पेट्रोल ये देखिए ओवरफ्लो हो गया, तो ये ओवरफ्लो से पेट्रोल आ रहा है, यहाँ पे देखो ये होल है, ये देखो ये माइनस है, तो ये पेट्रोल ये बड़ी चीज है, ये ऐसे आ गई, तो पेट्रोल है ये इधर से और इधर से, इधर से और इधर से, नीचे क्या है होल, इधर से आएगा पेट्रोल, इधर से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे आएगा, सब तरफ से आएगा, ऐसे बोल नहीं सकते कि इधर से आएगा, तो ये चारों तरफ से पेट्रोल आएगा और ये होल हमारा पूरा खाली है, तो यहाँ से ओवर फ्लो होगा गाड़ी आपका, ये पेट्रोल फ्लड होगा जो हम फ्लड कहते हैं उसको। तो ये आ गए हमारी स्लाइड पिन में, यहाँ पे बीच में क्या बैठती है हमारी, ये स्लाइड पिन, निडल पिन बोलते हैं, स्लाइड पिन बोलते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे देखने के बाद इसको ऐसे समझ में आता है, ये जो पिन है ये पिन क्या है, ऊपर प्लस है, प्लस है, तो नीचे नीचे जाते समय पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो माइनस होना है तो हम एक्सलेटर देते हैं, तो ये पिन किस में बैठती है हमारी, एक बुश है, और बुश के नीचे क्या आता है हमारा मेन जेट, मेन जेट का ड्रिल है ये, ऐसा कभी क्रॉस नहीं होगा, ये सीधा ही ड्रिल है, सीधा ड्रिल है, तो यहाँ पे हम लगवाते हैं, तो यहाँ पे देखो जगह मिल रही है क्या आपको, जगह, जगह में से क्या आएगा पेट्रोल, तो एक्सलेटर है ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे खुली हवा का जगह हो गई, तो ये जगह में से क्या आएगा पेट्रोल। अभी इसमें कितने अभी खाचे, इसमें स्लॉट है, ग्रू है, तो एक ग्रू है, तो इसमें पांच ग्रू आते हैं, एक दो तीन चार पांच, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, जैसे ये स्लाइड हम एक्सलेटर वायर है, ये एक्सलेटर वायर से ऊपर लेंगे, तो ये देखो ये पिन क्या होगा, ये माइनस माइनस होते जाएगा, तो ऐसे जो पेट्रोल आएगा ये ज़्यादा मात्रा में आएगा, ये काम होता है हमारे निडल पिन का। तो इसमें कितने ग्रू है, पांच, इसमें एक लॉक लगा होता है, हम क्या करवाते उसको एडजस्ट करवाते, कंपनी का होगा वो सेंटर में ही होगा, दो ऊपर छोड़ेंगे दो नीचे छोड़ेंगे, बीच में वो क्या होगा लॉक होगा, फिर हम क्या करते गाड़ी ज़्यादा घुर घुर करवा रहे तो ये पिन क्या करवाते नीचे डलवाते, तो नीचे डलवाने के बाद अभी समझ में आ गए आपको क्या हो रहा है, पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, गाड़ी हमारा घुर घुर नहीं होगा। दोस्तों हमारी जो क्लास की शुरुआत थी ये सुबह 10:30 बजे हो गई थी, 10 बजे सबका नाश्ता वगैरह हो गया, सबको 10:30 बजे हमें कॉमन लेक्चर पे बुला लिया, अभी बज गए 12:30 के आसपास टाइम हो रहा है, यानी कि 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में हमने खाली तीन टॉपिक ही हमने कवर करवाए, तो कार्बोरेटर को समझाने के लिए हमें कम से कम 5 घंटा लगते है, क्योंकि अभी हम खाली दो तीन चीज़ों पे आपको ये वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा, उसके बाद ये जेट है, ये जेट में से पेट्रोल क्यों आता है, यहाँ पे ये माइनस क्यों होता है, ये बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन अभी वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, ऐसे ही आगे वीडियो भी आएगा, ऐसे ही हम यहाँ पे लेक्चर लेते हैं, एक लेक्चर कार्बोरेटर अगर समझना है तो उसके लिए समय भी लगता है, क्योंकि हमें मालूम है पेट्रोल कैसे आना है वो भी हम समझाते हैं, गाड़ी भुरभुर यानी कि क्या, एयर नट टाइट करवाते तो गाड़ी का स्पीड एडलिंग कम होती है, एयर नट जैसे हम बाहर लेते तो वहाँ पे
टाइमिंग बढ़ता है, वापस और ईयर नट पीछे लेते तो वहाँ पे टाइमिंग का लाउड होता है। ये क्यों, किस लिए, यही हम कार्बोरेटर का एक एक डिटेल हम समझाते। अभी ये गाड़ी हम थोड़ा सा पार्ट पहला ही है तो हम यहाँ पे सिखाएंगे, फिर लाइव गाड़ी में करके दिखाएंगे क्या होता है, किस तरह होता है, बहुत सारा यहाँ पे अलग तरीका ही ट्रेनिंग देता है। तो चलो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको एडमिशन हमारे पास लेना है तो दिए गए नंबर पे आपको इन्फॉर्म करना है। अभी जो बैच चल रहा है हमारा, 2-3 बैच आगे चल रहे हैं हम, अभी लोगों को यहाँ पे रश ज़्यादा है। पहला आपने देखा है, पहले हमारे पास स्टूडेंट कम थे, अभी ज़्यादा स्टूडेंट हो गए। हम ज़्यादा भी नहीं लेना चाहते लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सब जन का कहना है सर आपके पास ही सीखना है, तो ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चल के थोड़ा सा उनके लिए भी कुछ करेंगे। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद, बाय।